नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2,44,000 राज्य कर्मचारियों का वेतन रोका गया है और अपनी संपत्ति का ब्यौरा ना देने पर यह वेतन रोका है। बड़ी खबर है। इस वक्त राज्य कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोक दिया है और 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पे ब्यौरा देना होगा। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था और 71% कर्मचारियों ने ही ब्यौरा दिया है। मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को जारी किया था निर्देश। उत्तर प्रदेश में 8,46,640 राज्य कर्मी है और शिक्षा विभाग के कार्मिक संपत्ति छिपाने में सबसे आगे है। तो डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा और समय मांगा। त्योहार और पुलिस भर्ती की परीक्षा के चलते नहीं दे पाए थे ब्यौरा, तो अब संपत्ति का ब्यौरा देने पर ही जारी होगा वेतन। तो शिक्षा विभाग के कार्मिक संपत्ति छिपाने में सबसे आगे हैं। डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा और समय मांगा। त्योहार और पुलिस भर्ती की परीक्षा के चलते ब्यौरा नहीं दे पाए थे। तो बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग पीछे हैं और औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग भी इसमें पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में 2,44,000 राज्य कर्मचारियों का वेतन रोका है। और अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, राज्य कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोका है क्योंकि ब्यौरा देने के लिए कहा था और ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से नौकरियां रहे, पारदर्शी तरीके से काम होते रहे, इसको लेकर के सरकार ने जो है कड़ाई की है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनकी ओर से 17 अगस्त को एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था उत्तर प्रदेश के समस्त जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा है जो पोर्टल पर दर्ज करना होगा। लेकिन इन सबके बावजूद भी तमाम विभाग जो है, तमाम जो लोग हैं, अभी तक जो है सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें अगस्त महीने में 2,44,000 जो कर्मचारी हैं उनका वेतन रोक दिया गया क्योंकि इन लोगों ने 31 अगस्त तक अपना जो ब्यौरा है पोर्टल पर अपडेट नहीं किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 8,86,640 कुल सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें से 2,00,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, 2,40,000 के लगभग से हैं जिन्होंने अपना ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद इनका वेतन रोक दिया गया। और स्पष्ट कहा गया है कि अगर इन्होंने जानकारी नहीं दी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था कि सरकारी कर्मचारी हैं वो अकूत संपत्तियां बना लेते थे, वो जरूरत से ज्यादा संपत्तियां बना लेते थे और कहीं ना कहीं जब शिकायतें होती थी तो मिलान नहीं हो पाता था कि उनके पास संपत्ति कितनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिया गया था कि वो अपनी संपत्ति को जो है जग जाहिर करें, यानी कि पोर्टल पर आम व्यक्ति भी उसको देख सके कि आखिर किस अधिकारी के पास कितनी संपत्ति है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो तमाम ऐसे विभाग है जिन्होंने अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, जिसमें सबसे ज्यादा 5 विभाग है जो अभी तक पिछड़े हुए सबसे ज्यादा, जिसमें बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग है। इन तमाम विभागों के सबसे ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। साथ ही साथ डीजीपी ऑफिस ने नियुक्ति विभाग से अनुरोध किया है कि उनको कुछ समय दिया जाए क्योंकि फिलहाल जो अभी पिछले अगर 10 से 15 दिन में देखें तो उत्तर प्रदेश में बड़े आयोजन हुए जिसमें जो पुलिस भर्ती का आयोजन था जिसमें पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारियों को लगाया गया था, जिसके चलते भी ये लोग अपना जो है जो संपत्ति का ब्यौरा है वो अपडेट नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में अब जो अधिकारी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के माध्यम से काली कमाई करना चाहते हैं, उन पर सरकार ने नकेल कस दी है और साथ ही साथ साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर अभी भी ये अधिकारी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में और ज्यादा सख्ती के साथ इन पर कार्रवाई होगी। जी, ऐसे में अश्विनी, चूंकि सिस्टम में पारदर्शिता लाना मुख्य एजेंडा है इसके जरिए, लेकिन सवाल ये भी कि अभी चूंकि पुलिस विभाग ने तो ये हवाला दे दिया कि भाई त्योहार थे उसमें ड्यूटी लगी थी, परीक्षा थी उसको संपन्न कराना था, लेकिन ऐसे और भी कई विभाग हैं जो हीला हवाली कर रहे हैं। और क्या अगस्त महीने के अब जो वेतन रोका गया है ये तभी जारी होगा जब ब्यौरा बकायदा दे दिया जाएगा?
बिल्कुल साफ तौर पर सरकार की ओर से, शासन की ओर से कह दिया गया कि जब तक आप अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तब तक जो सैलरी वो रिलीज नहीं होगी। वो अगस्त महीने नहीं, सितंबर में अगर नहीं दिया तो इस महीने में भी, अगले महीने में भी, जब तक आप नहीं देंगे तब नहीं होगा। ये एक लंबा बड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था सरकारें, जो पिछली सरकारें थी, निर्देश देती थी लेकिन कहीं ना कहीं उन निर्देशों का पालन अक्षरशः नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ कागजों तक वो आदेश सीमित रहता था। लेकिन इस सरकार ने, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी जो अकूत संपत्ति बनाना चाहता है, गलत ढंग से संपत्ति बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं अब वो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसकी कार्यशैली है उसके अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाइयां भी होंगी। अगर बात करें तो संपत्ति का ब्यौरा छिपाने में 5 विभाग सबसे आगे हैं, जिसमें अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग, इन 5 विभागों में सबसे ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। तो ऐसे में अभी कहीं ना कहीं एक और आदेश जारी हो सकता है जिसमें कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिनों का समय भी इनको मिल सकता है, और उन सबके बावजूद भी अगर कोई कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पा रहा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े एक्शन का भी प्लान शासन की ओर से है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।